मॉर्निंग फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? आप लोग ठीक ही होंगे। मैं हूँ ममता विश्वकर्मा और मेरे चैनल का नाम है ममता विश्वकर्मा ब्लॉग्स। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज है संडे और संडे का दिन जो है एकदम बिजी हो जाता है। और अभी हम लोग गाँव से आए हैं तो अभी राशन वगैरह जो है सारी चीज़ें हमें ख़रीदनी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आज संडे में मैं क्या क्या करने वाली हूँ, कहाँ कहाँ जाने वाली हूँ, वो सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। बहुत अच्छा अच्छा आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ और इस वीडियो में आप लोग को बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए फिर, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी अवतार को भूल जाइए क्योंकि मैं नहा धो के तुरंत नाश्ता वगैरह करने में देने उने में सब बिज़ी हो गई, इसके लिए मैंने कुछ किया नहीं है अभी। तो चलिए फटाफट खाना बनाती हूँ, क्या बनने वाला हो भी सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ फ़िश, और आज संडे है तो मैं आज फ़िश बनाऊँगी। इसमें मैंने हल्दी और नमक डाल के रख दिया है, यहाँ पे तेल भी रख दिया है गर्म होने, एक साइड मैंने दूध रखा है। और फटाफट मैं फ़िश कढ़ी और चावल रोटी बना के ले लेती हूँ। और अभी टाइमिंग हो रहे हैं 11 बज रहे हैं तो मैं फटाफट पहले खाना बना के लूँगी, उसके बाद घर के जो है काम करके लूँगी, फिर उसके बाद मुझे जाना है बाहर। कहाँ जाने वाली वो सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो पे बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो चलिए फटाफट मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे मैं खाना बनाना स्टार्ट कर चुकी हूँ और मैं खाने के साथ साथ घर के जो काम है वो भी फटाफट कर लूँगी। और यहाँ पर मच्छी जो है मैं फ्राई कर रही हूँ, तो मच्छी फ्राई करते करते मैं जो मसाले हैं वो भी तैयार करती रहती हूँ। ऐसे नहीं कि मैं बाद में मच्छी फ्राई करने के बाद मसाले तैयार करूँ, नहीं, मैं एक साथ सब काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो चलिए फिर फटाफट में जो घर के काम भी हैं और खाना भी वो सारा कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने फ़िश करी की रेसिपी डाली हुई हूँ, आप जाके चेक कर सकते हो। अगर आप लोगों को न्यू फ़िश करी की रेसिपी जाननी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फटाफट जो है खाना बना लेती हूँ, घर के काम भी कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और बच्चे लोग भी निकल चुके हैं, हस्बैंड भी आ चुके हैं, काफ़ी टाइम लग गया, बच्चे लोग भी रेडी चप्पल वगैरह पहन रहे हैं। यहाँ पर मैं बहुत सिंपल तरीके से रेडी हुई हूँ, तो चलिए मैं फटाफट चलती हूँ। सबसे पहले कहाँ जाना है वहाँ पे लेके जाऊँगी, अभी कोई फिक्स नहीं है कहाँ कहाँ जाना है, तो वहाँ पे चलूँगी, आप लोगों को साथ में लेके चलूँगी। तो चलिए आगे मिलते हैं। तो जो है एक काम हमारा नहीं हो पाया है वो है वैक्सीन का, वो हमारा नहीं हो पाया है। मोटू का, मयंक का जो है वैक्सीन कराना था हमें, तो नहीं हो पाया है। और चलिए कोई बात नहीं, अभी उन्होंने बोला संडे तो बंद रहता है, हम एक काम तो नहीं हो पाया है तो चलिए अभी जो दूसरा काम है वो करने चलते हैं। और वो क्या काम है वो है आपको आगे ही बता देती हूँ क्या है। जो हमारा दूसरा काम था वो था मयंक के लिए साइकिल लेना। मयंक बहुत दिनों से जिद कर रहे थे कि मम्मी मुझे साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, तो फाइनली आज जाके मयंक के लिए हमने साइकिल लिया है। तो यहाँ पे मेरे जो श्रेयांश है वो भी गुस्से में खड़े हैं, बार बार बोल रहे मम्मी मुझे ये साइकिल चाहिए, वो साइकिल चाहिए। हमने बोला अभी एक ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट टाइम आपके लिए भी लेंगे। तो कोई बात नहीं, एक साथ दो नहीं हो पाता है तो एक एक करके ज़रूर लेंगे। अभी मयंक के लिए लिए हैं, अब जो सेकंड नंबर आने वाला है श्रेयांश का, तो देखिए श्रेयांश को हम कब लेते हैं। तो हमारा जो एक जो दूसरा काम है वो हो गया है कंप्लीट, और वो था साइकिल का। तो मयंक को साइकिल ले लिया है, बुक हो चुका है और साइकिल आने वाला है कल, और कल जाएँगे। मयंक है जो डेमो वगैरह दें, उन लोग सब सारी सारी चीज़ें बताएंगे जो भी है, और मयंक को पसंद आ गया, हम अपने पसंद से लाते हैं तो उसे पसंद आता कि नहीं आता, इसीलिए उन्हें साथ लेके गए थे कि आप अपने पसंद से ले लो, कल को हमें मत बोलो भाई नहीं अच्छा लगा, तो इसलिए। तो अभी तो अब जा रहे हैं राशन भराने, मेरे घर में डिमांड का छूट तो नहीं कर पाऊँगी, पर जो भी है
थोड़ी मोड़ी चीज़ें मैं शूट करूँगी, तो चलिए सीधे डिमांड मिलती हूँ। तो हम लोग आ चुके हैं, तो मैं जा रही हूँ बैग सेल कराने और वो लोग पीछे हैं। चलो अभी तो अंदर अलाउड भी नहीं देंगे। यहाँ पे हम लोग घर पे आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। मैं बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि इतनी गर्दी थी और संडे के दिन, सच में खास करके संडे के दिन तो बिल्कुल हमें डिमांड या कहीं पे भी जाना नहीं चाहिए। पर क्या करें, संडे को ही हमारा छुट्टी होता है तो इसके लिए हम जाते। तो मैं आपको राशन दिखाती हूँ, तो आप देख सकते हो पूरा राशन, इतना सारा राशन हमने मतलब ए टू जेड हमें सब भराना था। तो यहाँ पे अभी हमारा चालू है सब सामान रखने का, डब्बा डूबी आ चुका है। तो फटाफट मैं भी राशन वगैरह जो है रख लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। फाइनली मयंक की जो साइकिल है वो आ चुकी है, तो आ जाती है तो मैं टीका वगैरह कर लूँगी और उसके बाद मिलती हूँ आगे। और देखिए कौन सा मॉडल है, कैसा है। और मुझे तो यहाँ पे मयंक खुद अपने पापा के साथ जाके साइकिल लेके आए हैं, जो भी है सीखना था वहाँ पे उन्होंने सिखा दिया है। तो यहाँ पे देखिए अंदर तो घुस नहीं रहा था, संभाल के लेके आए मयंक। और तो चलिए मैं फटाफट इसकी पूजा कर लेती हूँ। और तो मैं वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये छोटू सा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।